धरती को क्या हो गया? सीता को जन्म देने वाली धरती को क्या हो गया? राम के देश में चाइना का हनुमान दिख रहा है। तो आज उस आत्मनिर्भरता को जीने का दिन है जिससे हमारे क्रांतिकारी निकल कर आए हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने की आज बात है। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियां बजाइए, वरना मैं जा रहा हूं। सबसे अच्छा सुनाने के लिए आपका एक पड़ोसी है, आगे सब उसे में क्या कहूं, उसके लिए शब्द नहीं है क्योंकि पूरे विश्व में शब्द नहीं है उसके लिए। तो उसके लिए ही ये पंक्तियां सब लिखी गई हैं। कभी गौरव चौहान ने लिखी है कि अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या? अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या? जो रक्तपान करना चाहे उनको गंगा का नीर पिलाना क्या? हमने जिनको दो आंखें दी वो हमारा बेटा है, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आंख दिखा बैठा। हम शांति शांति में लगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे का बेटा। वो छल पे छल करता आया, हम खड़े रहे विश्वासों पर। वो छल पे छल करता आया, हम खड़े रहे विश्वासों पर। ना जाने कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की भाषाओं पर, भाषे भी बोल दी। मत अंतरतम पर घात करो, दुश्मन जो भाषा समझ सके। अब उस भाषा में बात करो, वो झाड़ी है, कौन है वो झाड़ी है, हम बरगद हैं, वो है बबूल, हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली, हम शेरों का अभिनंदन है। एक बात तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने देंगे, एक बात तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने देंगे। ये अमर सनातन माटी है, ये अमर सनातन माटी है, इसे कभी नहीं मरने देंगे। तुम भूल गए सन 48, क्या याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम भूल गए सन 48, जब पैदा होते ही अकड़े थे। 1948 में क्या हुआ था आपने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने हमला किया। जैसे ही हमने बेटा आजाद किया, उसने अपने पिताजी के ऊपर हमला करने का कोशिश किया कि तुम भूल गए सन 48, पैदा होते ही अकड़े थे, हम उन कबाइली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए पैसन को, तुमने पंगा कर डाला था। और जो मूर्ति लगी हुई है ना कोने में, लाल बहादुर शास्त्री जी की, याद करिएगा, हाथ उठाइएगा। तुम भूल गए पैसन का रण, तुमने पंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला। तुम भूल गए सन 71 को, पैसन के नाम 71 आया। तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर तुम बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। वो पिछुआ सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 90,000 पाकिस्तानी नहीं, 90,000 सैनिक हो, विद AK-47 हो, भारत के अच्छे अच्छे हथियार थे। और भारत के एक सैनिक पाकिस्तानी, एक हमारे 3,000 की सेना, 90,000 रुपए से घुटनों के बल पर टेक दिया। कि तुम भूल गए सर 71 को, तुमने पंगा कर डाला था। तुम भूल गए सर 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण, करगिल का हुआ था 1999। अंतिम पंक्तियां हैं, तुम भूल गए करगिल का रण, हिंदी में लिखी कहानी थी, को जब याद दिलाई मालूम थी, तो सारी दुर्गत भूल गए जिससे सम्मान कर बैठे हो। मैं उत्तर भी के पास नहीं, हमसे सम्मान कर बैठे हो। ना हम किसी पर के कैसे आला तुम्हारे लड़ते हैं, तुम भूल गए हो जिसके लिए हम बाप हमारे लड़ते हैं। बेटा पिटने का आदमी है, बेटा पक्का जी हाथी है, शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी